देख लेना सुनील भाई। हाँ सही है, प्रॉपर है। जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे उम्र साथी हैं उनको दिल से बहुत सारी रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग। देखो जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है जो इनविजिबल होती है, जैसे कि आपकी दुख और परेशानियाँ जो आपको दिखती नहीं, नज़र नहीं आती और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पेक्ट कर जाती है। लेकिन वो जो इनविजिबल सी चीज़ें होती है उन पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लोगे, कहीं ना कहीं आपके आसपास ये आपके अंदर ही है, बस ध्यान देना है। क्योंकि जो परेशानी आती है, जो प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं उसी के अंदर छुपा होता है। जो परेशानी होती है समाधान उसी में छुपा होता है। बस अपना जो है वो नज़रिया होना चाहिए और अपना दिमाग, जब परेशानियाँ या परिस्थिति वैसी हो जाती है ना, तब थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से छोटी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती है। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से। आप सभी को दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं इस सावन के महीने की और आने वाले भादवे के महीने। हम जिस लोकेशन पे हैं आज वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन हम इतना सा कहना चाहते हैं कि जब लाइफ क्या अजीब सी गंदे पे लगा, किसी ने हाथ फेरा हो, जैसे कहा कुछ नहीं लेकिन ऐसा लगा किसी ने हाथ फेर के गया। जिस जगह पे हम अभी आए हुए हैं ये यहाँ की मोस्ट वॉन्टेड लोकेशन है और इस जगह पे कोई आम इंसान नहीं आता है, और जो आता है वो वापस नहीं जाता, ऐसा कुछ कहा गया है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं और आप लोगों के सामने एक भयानक सी लोकेशन, एक खतरनाक सी लोकेशन, एक चैलेंजिंग सी लोकेशन, जो हमारे ही किसी सब्सक्राइबर फैमिली में से या आप में से ही किसी एक पर्सन ने दी है और उन्होंने पर्सनली ये कहा है कि हम आपको एक चुनौती देते हैं, चैलेंज देते हैं कि हमारे गांव में आइए और एक बार इस लोकेशन को विजिट कीजिए अगर आप में दम है। तो दम की बात नहीं करते, देखो मेरे महादेव ने थोड़ा सा सब्र दिया है और हिम्मत दी है भरपूर, तो उसी हिम्मत के बदौलत और सब्र के जरिए हम जो है इस लोकेशन को विजिट करने वाले हैं आज। जो कुछ भी रहेगा वो आप लोगों के सामने रहेगा, बट उस चुनौती और चैलेंज के जरिए मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये जो लोकेशन है वो वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा डरावनी भी हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो में अगर आप अभी से आ चुके हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच कीजिएगा और लाइक एंड में जा करके कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बट हमने जिस चैलेंज को एक्सेप्ट करा है उसे आप एंड तक वॉच कीजिएगा। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सामने एक चुनौती भरी लोकेशन लेकर के आ रहे हैं। कैमरे पे मेरे भाई सुनील जो बखूबी अपना फ़र्ज निभाते हैं, और हम दोनों भाई यही कोशिश करते हैं कि किसी भी लोकेशन पे हमें किसी भी तरह की हार्म या किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाकी आप सबका प्यार और दुआएं हमारे साथ बनी हुई है तो हम कंटिन्यूस काम कर पा रहे हैं और इसी तरह आगे भी करते रहेंगे। बस आप लोगों का साथ और सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और लाइक एंड में करके प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि हमारी हौसले को थोड़ी सी और उड़ान मिले। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं सुनील भाई लोकेशन की तरफ। अब लोकेशन का प्रॉपर ध्यान रखना सुनील भाई। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जब लोकेशन इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है तो सेफ्टी भी हमारे पास उसी लेवल की होती है। ये जगह जगह कुछ बना हुआ है भाई, कुछ बना हुआ है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है, ये बहुत सुनसान है, कॉलोनी जैसा लग रहा पूरा है। कुछ भी हो सुनील भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम एक एक चीज को बारीकी से नोटिस करेंगे। हम यही चाहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है, जो कुछ भी यहाँ पे घटा है, वो किसी भी तरह से हमें डराए ना, किसी भी तरह हमें परेशान ना करे। ये जो पेड़ है वाकई में जिस जगह पे ये पेड़ है वो डरावनी सी वाइब दे रहा है, ऑटोमेटिकली दे रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, वीडियो देखने के बाद में आप खुद बोलोगे। जिस जगह पे ये पेड़ है, इसके अलावा इस जगह या हम जहाँ पीछे थे उस जगह इतना बड़ा पेड़ नहीं था, बहुत भारी पेड़ होगा, बट ये किसी वजह से टूट चुका है। सुनील भाई बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक आधी लोकेशन हम चेक कर लेते हैं ये है क्या। सबसे पहले
पहले ही चेक कर लेते हैं कि है। समझ नहीं आ रहा है ये परेशान मत कर रही है ना, ये ना बाथरूम है यार, सुनील अंदर है ना, प्लाईवुड पे नजर मार लेना पूरा, ठीक है चारों कोनों में बहुत टाइम से बंद है। इसके अलावा इस तरफ भी करना, तो यार ये क्या बना, कुछ एंटीक सा ना, बिल्कुल पुराना सा, बहुत पुराना सा है। ये एक बाथरूम है जहां पे हम अभी खड़े हैं, यह एक बाथरूम है। बट समझ नहीं आ रहा है इस जगह पे बाथरूम किस वजह से, जगह सुनसान है, वीरान है और इसके अलावा खतरनाक भी है। और जिन भाई ने ये चैलेंज दिया है वो भाई प्लीज इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आपके जरिए हम इस लोकेशन तक पहुंचे हैं। रास्ता आपने बता दिया था, मंजिल आपने बता दी थी, बस हमें आना था और हम इस जगह पे आज खड़े हैं। कमरे जैसे बने हुए छोटे छोटे, ये भी बाथरूम है। ओए नहीं करो ना अंदर, ठीक है दरवाजों की और इस जगह की हालत बहुत ज्यादा खतरनाक है, गंभीर है। हम सिर्फ और सिर्फ जिस जगह पे अभी हैं, इस जगह पे होना ही बहुत ज्यादा डेंजरस है। अजीब सा लग रहा है यार, उधर भी कुछ बना हुआ है, उधर कुछ बना हुआ है बड़ा सारा। हाँ, अभी पूरी लोकेशन विजिट करना बाकी है। मोस्ट डेंजरस प्लेस बोला गया है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है यार, ना तो लाइट है, कॉलोनी जैसा बना हुआ है, लाइटों की व्यवस्था उसी लेकिन बंद पड़ा है। बारिश का मौसम में नीचे ध्यान रखना, ध्यान से आना। तूने तोड़ फोड़ कर रखा है, ये जो प्लाई लगी हुई है ना, इस प्लाई पे शीशे लगे हुए थे जो भी नहीं तोड़ दिए किसी ने। लग रहा है अजीब सर, यहाँ ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि हंटेड हो या अजीब सा लग रहा है।
सबकी ये हालत कर रखी है। बरसा चालू हुई है। तो कुछ कह नहीं सकते, देखो ये है कुदरत। अलग अलग रहा है पूरी तरह से, पता नहीं क्या तो जो है वो रस्सी बन रही है, और इसके ऊपर एक अलग सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो जंग खा रहा है, इस पर जंग लग रही है। चारों तरफ ग्राउंड करते रहना सुनील भाई, क्योंकि ये जो जगह है सिर्फ इस जगह तो चलो ठीक है, हम ये सोच सकते हैं कि किसी कीड़े या जानवर का रिस्क नहीं होगा, बट नीचे की तरफ जब चलते हैं ना तो लगता है कि कुछ सुनील हाँ सेम है यहाँ और वहाँ पे दोनों जो सेम है। चूड़ी पड़ी किसी औरत के कपड़े पड़े, इसके अंदर भी कपड़े हैं। क्या है इसके अंदर? प्लीज जगह सेफ नहीं है, सुनो क्लियर कह रहा हूँ, ये जगह सेफ नहीं है। इस कपड़ों कपड़ों के हाथ मत लगाना तो। नहीं भाई बिल्कुल नहीं लगाने वाला मैं। बाहर भी कपड़े पड़े हैं, अंदर भी कपड़े हैं। अंदर बहुत बुरी हालत में कपड़े हैं, बहुत बुरी हालत में। फिर अंदर तो भाई उस कपड़े के ब्लड लगा हुआ है। हाथ मत लगाना भाई, बहुत मतलब अजीब से कपड़े हैं भाई। अजीब बहुत अजीब है, बहुत अजीब। ऐसा लग रहा है पीछे चल के ही गया, कोई पीछे से चल के गया ऐसा लगा मेरे को यार। सामने
अजीब सी भाई बारिश, सच बताऊं तो बहुत ऊपर से बारिश तो चालू हो गई। बारिश चालू हो गई सूर्य, पीछे भी सेम ऐसा ही बना हुआ है। सोच बताऊं जिस जगह पे हम खड़े हैं, वाकई मैं ऐसा फील दे रही यहाँ पे बहुत कुछ गलत है, बहुत कुछ, सिर्फ एक चीज नहीं, बहुत कुछ गलत है। अजीब सी चीज है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास में है। मुझे भी फील हुआ यार अभी वहाँ पे, दिन से ऐसा लग रहा है। ओए सूर्य, आवाज किस चीज की थी यार? क्या पता लाइट और कैमरा दोनों ही बंद हो गए एकदम से यार। सच बताऊं तो नहीं, भयानक सी आवाज सुनाई दी थी, इसके बाद अंदर रुका ही नहीं गया, कैमरा और लाइट दोनों बंद हो गए। हम यहाँ तक पहुंचे जैसे तैसे, और यहाँ आने के बाद लाइट कैमरा दोनों हमने ऑन किए तो ऑन हो गए। उस जगह पर हमने मशक्कत भी की थी भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ, पूरी झंझराहट से हो रही है बॉडी के अंदर। किसी भी तरह से ये नहीं बता सकते कि किस चीज़ की आवाज़ थी, क्लियर क्या आवाज़ सुनी हमने, ये नहीं कह सकते। पूरी तरह से एक वाइब्रेशन सा फील हो रहा है, और एक अजीब सी झंझनाहट होती है ना, ऐसा कुछ है, और डर हम फील कर रहे थे, सच में हम डर फील कर रहे थे किसी चीज़ का कि कुछ है भाई, इतने भयानक चीख की आवाज़। अभी भी सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पीछे की कोई चल रहा है भाई। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा यार भाई। सूर्या तुझे जाना है तो जा सकता है, मैं नहीं जाऊँगा भाई। कैमरा बंद हो गया, लाइट बंद होगी, और उसके अलावा वो आवाज़ आना इतनी भयंकर, बहुत गलत है। मैंने अनुमान नहीं लगाया था कि इतना कुछ या इतना ज्यादा भयंकर हो सकता है कि हमें वहां से भागते हुए यहाँ तक आना होगा। भाई अंधेरे में हम कैसे पहुंचे हम खुद जानते हैं। बहुत ज्यादा सेम लेवल का डर हो गया था जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वीडियो में। आप सोच सकते हो कि एक अनजान जगह पे, और वो भी इतनी खतरनाक लोकेशन जहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आएगा इसके अलावा, और लाइट में आप देख सकते हो बिना लाइट के आपको एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ रोशनी है ही नहीं 0.1%, और आप कोशिश करो उस रोशनी को लाने की और वो रोशनी ना आए तो कैसा होगा। सेम वैसा ही कुछ हमने फील किया है, अंधेरे कमरे में जैसे इंसान को छोड़ दिया जाता है दरवाजा ढूंढने के लिए, वैसे ही हम गिरते पड़ते भागते वैसे उतना दूर से यहाँ तक आए। सच बता रहा हूँ डेंजरस वाकई में है लोकेशन, और जिस भाई ने चैलेंज दिया है भाई, अगली बार जब भी आएंगे ना आपको साथ लेके आएंगे, और कम से कम एटलीस्ट आपको इस जगह तक तो हमारे साथ आना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए इस जगह तक आपको हमारे साथ आना होगा। इसके बाद हम भले ही आगे चले जाएंगे, और बैकअप किप में, बैकअप में जो है लाइट एक्स्ट्रा रखेंगे या इमरजेंसी ऐसा कुछ रखेंगे जो ऐसी जगहों पे जल सके, सब कुछ ज़रूर से रखेंगे हमारे पास में, क्योंकि ये जो जगह है वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और लगभग वक्त भी हो चुका है 12:02 का, नहीं कह सकते यार ना, अब हिम्मत है कि वापस उस जगह तक जा करके हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लें, नहीं करना जा सकता। कंटेनर जब से हम गए हैं तब से लेकर के इस रास्ते पे कोई गाड़ी तक नहीं आई कि कोई आए तो हम उनसे बात करें, बट ऐसा कोई भी शख्स यहाँ से नहीं निकला जिससे हम बात कर सके या जिससे हम यहाँ की जानकारी ले सके कि हुआ क्या है, इंसिडेंट क्या घटा हुआ है जिसकी वजह से इस लोकेशन को इतना ज़्यादा डेंजरस कहा गया है,
एक बार फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर हम इस लोकेशन पे आते हैं और अंदर तक पहुँच पाते हैं तो हम एक बैकअप में लाइट रखेंगे ऐसी, जो ऐसी जगहों पे जल सके और किसी भी तरह की परेशानी जो है वो पैदा ना हो। और जिन भाई ने हमें ये लोकेशन सजेस्ट करी है उन भाई को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जो है आपको हमारे साथ इस लोकेशन पे आना होगा, क्योंकि ये लोकेशन वाकई में डेंजरस है, वाकई में इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि दो लोगों का या अकेले पर्सन का उस जगह पे सरवाइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। अब तक आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और वो आखिर मोमेंट क्या था, क्या कैप्चर हुआ है कैमरे में कुछ नहीं कह सकते, बट जो कुछ भी हुआ है वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जो हमने हमारे कानों से सुना है, देखा नहीं बट हमारे कानों से जो हमने सुना है वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक था। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि किसी के देखे देख किसी के कहे कहे कभी भी रात को ऐसा रिस्क मत उठाइएगा। जो हॉन्टेड ब्लॉगर है वो जानते हैं इन सारी चीज़ों को और वो वाकिफ है इन सारी चीज़ों से, तब जा करके वो किसी एक लोकेशन को विजिट कर पाते हैं, चाहे परेशानी का लेवल कितना भी हो वो संभाल सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई आम इंसान ऐसा कोशिश करेगा जिसके पास सेफ्टीज नहीं है या जिसके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, वो वाकई में उस लोकेशन पर स्टक हो जाएगा और अपनी जान को, हो सकता है कि अपनी जान को भी गंवा दे। तो हमारा हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ जो हम कर रहे हैं या जो बाकी हॉन्टेड ब्लॉगर कर रहे हैं, किसी के देखे देख कुछ भी करने की कोशिश ना करें, अनुभव और एक्सपीरियंस के बाद में उन सारी चीज़ों को आप करें ताकि आपको आगे जा करके किसी बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। रास्ता पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा वीरान है और इस जगह पे हम खड़े खड़े कुछ बता रहा हूँ खड़े खड़े ना, अब जा करके थोड़ा सा कुछ नॉर्मल हुआ है, नहीं तो मैं कुछ बताऊँ ये जो जगह है इस दायरे में आप अंदर जाओगे ना उसके बाद बहुत इम्पॉसिबल सा है कि आप वापस आओ। बट जब आप अपनी गुरु मंत्र शक्तियों से बंधे हुए हो तब आपके साथ किसी भी तरह का नुकसान या हार्म नहीं हो सकता। बट मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जाना किसी भी तरह से सेफ नहीं है, किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं है। मैं आप लोगों से यही कह करके बस कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आप लोगों के लिए आधी आधी रात को ऐसी जगहों पर जाते हैं, मेहनत करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते हैं और इसी मेहनत के दम पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी उड़ान को पूरा करना चाहते हैं। दिल से शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इस लोकेशन पे हम दोबारा ज़रूर आएंगे, पर तब आएंगे जब इस जगह पे जिन इंसान ने हमें बुलाया है वो शख्स हमारे साथ में हो, अदरवाइज इस लोकेशन पे आप आना आसान नहीं है। शुक्रिया आप सभी का वीडियो को वॉच करने के लिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि अगर कोई यहाँ का और कोई नॉन पर्सन है जो हमें कमेंट कर सके और हमें वापस से इस लोकेशन पर बुला सके। सुनील भाई कैमरा बंद करो, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है।